भूपेन शर्मा की मौत के बाद बिलासपुर पुलिस जागी है और सूदखोरों पर कार्रवाई करने वाली है। बिलासपुर में सूदखोर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये सूदखोर बिलासपुर में एक प्रमुख व्यवसाय की तरह है। रेलवे में एसईसीएल में तमाम जगहों पर सूदखोरी को लेकर के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर के लोगों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन सूदखोर क्योंकि एक रुपए के कई हजार रुपए वसूल करता है तो ऐसे में इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि इस मामले में कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी सूदखोरों को प्राप्त है। इस मामले में जो तत्कालीन आईजी पवन देव ने बड़ी कार्रवाई की थी और लोगों को बड़ी राहत दी थी क्योंकि सूदखोरी के बहाने ये सूदखोर लोगों से उसका सब कुछ लूट लेते हैं। इस मामले में भूपेन्द्र शर्मा की मौत के बाद अब बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने फिर से सूदखोरों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सूदखोरों के आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि सूदखोर का आतंक इतना ज्यादा है कि पुलिस कहीं न कहीं मिली भगत है। यही वजह है कि उन पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब कार्रवाई होगी। बिलासपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक।